कुछ लोगों ने मुझे इस कमेंट सेक्शन में बीबीसी के बारे में पूछा है कि मैम ये जो बीबीसी फैंटेसी होती है ये फॉरेन में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां के लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जो वहां लाइफस्टाइल कपल हैं, क्या इंडिया में भी जो लाइफस्टाइल कपल हैं ये बीबीसी को एंजॉय करते हैं, इस फैंटेसी को एंजॉय करते हैं? तो जवाब हाजिर है, बिल्कुल एंजॉय करते हैं। कुछ ऐसे कपल्स हैं लाइफस्टाइल कपल जो कि इस बीबीसी फैंटेसी को एंजॉय करते हैं, खासकर सबमिसिव कपल्ड। उनके अंदर ये इच्छा होती है, डिजायर होती है कि वो अपनी वाइफ को अगर शेयर करे तो सामने वाला ब्लैक बुल हो। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये इसी चीज के ऊपर है कि बीबीसी का मतलब क्या होता है और बीबीसी फैंटेसी का लाइफस्टाइल से क्या लेना देना है, लाइफस्टाइल कपल में इस बीबीसी का इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है। तो मैं बहुत ऐसे बीबीसी किए तो जा रही हूँ, लेकिन काफी सारे लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें अभी तक यही नहीं पता होगा कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, तो बीबीसी को तो वो क्या समझेंगे। तो पहले मैं आपको लाइफस्टाइल का ही मतलब समझा देती हूँ, वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये है भी लाइफस्टाइल कपल्स के लिए ही, तो उनको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बताना ये बनता है। तो लाइफस्टाइल कपल का मतलब होता है वो कपल जो अपने सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए स्विंगिंग लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लेते हैं, वो स्विंगिंग लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे जो कपल होते हैं इनके बीच में वाइफ शेयरिंग, वाइफ स्वैपिंग और कुकल्डिंग जैसे एक्ट किए जाते हैं, और ये एक्ट दोनों ही हस्बैंड वाइफ की रजामंदी से होते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ये लाइफस्टाइल कपल वो कपल होते हैं जो कि ट्रेडिशनल माइंडसेट के नहीं होते और ना ही ट्रेडिशनल वे में मैरिड लाइफ को जीने में इंटरेस्टेड होते हैं, ये अपने लाइफ में कुछ नयापन लाने के लिए स्विंगिंग लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये थी लाइफस्टाइल कपल की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल कपल के बीच में ये बीबीसी फैंटेसी का क्रेज क्यों बढ़ रहा है, ये बीबीसी फैंटेसी होती क्या है। तो बीबी का मतलब होता है ब्लैक बुल। अब इस ब्लैक बुल को समझने के लिए पहले हम हॉट वाइफ, कपल्ड और बुल, इन तीनों की तिगड़ी को समझ लेते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल में ये हॉट वाइफ, कपल्ड और बुल, ये जो तीनों की तिगड़ी होती है यही मेन होती है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको पूरा लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो हॉट वाइफ मतलब वो वाइफ जो कि अपने हस्बैंड की रजामंदी से किसी गैर मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, और वो जो गैर मर्द होता है उसे बुल कहा जाता है, और वो जो हॉट वाइफ का जो हस्बैंड होता है उसे कपल्ड कहा जाता है। अब है कि लाइफस्टाइल कपल में भी अलग अलग तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, तो वो कपल्ड हस्बैंड जो कि अपनी फैंटेसी के हाथों मजबूर होकर इस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं, वो अंदर ही अंदर बहुत ही शौकियाना किस्म के रंगीन मिजाज वाले इंसान होते हैं। तो जब वो अपनी वाइफ के लिए बुल का चयन करते हैं ताकि वो अपनी वाइफ को उस बुल से शेयर कर सकें, तो उस वक्त वो बुल का चयन करते हुए वैरायटी देखना पसंद करते हैं। डार्लिंग पिछली बार जो बुल सेलेक्ट किया था ना वो थोड़ा सा हाइट में छोटा था, इस बार थोड़ा लंबा देख लेते हैं, या गोरा नहीं इस बार काला चलेगा, काला देखते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरह की फैंटेसी के हाथों मजबूर होते हैं कि कभी कुछ देखना है, कभी कुछ देखना है और कभी कुछ चाहिए, तो वो लोग ब्लैक बुल को हायर करते हैं कि यार इस बार ब्लैक बुल के मजे लेते हैं। ब्लैक बुल मतलब अफ्रीकन मेल, अफ्रीकन प्रजाति। ये जो प्रचलन है ब्लैक बुल का ये फॉरेन में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वहां की गोरिया तो पगला ही रहती है उन कालों के ऊपर, लेकिन अभी धीरे 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 इंडिया में भी जो इंडियन लाइफस्टाइल कपल है उनके अंदर भी इसका जो क्रेज है बढ़ने लग गया है। तब कितने हमारे इंडिया में भी ऐसे लाइफस्टाइल कपल हैं जो इस फैंटेसी को जीने के लिए, अपनी वाइफ को ब्लैक बुल से शेयर करने के लिए गोवा का टिकट बुक करते हैं, अगर आसपास कहीं चीज अवेलेबल नहीं होती और खतरा ज्यादा है कि कहीं किसी को पता ना लग जाए या कुछ ऐसा, तो वो गोवा का टिकट बुक करते हैं क्योंकि वहां पर अवेलेबिलिटी है, वहां पर किसी को किसी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वहां का कल्चर थोड़ा इस तरह का है, तो वहां पर ये चीजें आसान हो जाती हैं। तो कितने ऐसे लाइफस्टाइल कपल हैं जो गोवा जाते हैं और अपनी इस फैंटेसी को अंजाम देते हैं। अगर मैं विदेशों की बात करूं तो वहां पे जो गोरियां हैं मतलब व्हाइट वाइफ में ब्लैक बुल का प्रचलन इसलिए भी ज्यादा है, वहां पर ब्लैक बुल का क्रेज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये जो अफ्रीकन मेल होते हैं इनके अंदर सेक्स पावर कुछ ज्यादा ही होती है, इनका स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, जहां गोरों को अपनी गोरियों को सेटिस्फाइड करने के लिए इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। ये जो ब्लैक बुल होते हैं, जो अफ्रीकन मेल होते हैं, ये पहले से ही नशे में होते हैं, मतलब कुदरती इनके अंदर इतना स्टैमिना होता है जितना किसी इंसान को पीने के बाद चढ़ता है, वो लगा रहता है, इन्हें पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे ही इनके अंदर कुदरती इतना स्टैमिना होता है। दूसरा, ये जो ब्लैक बुल का जो पीनस साइज होता है ये व्हाइट मैन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, मतलब इन अफ्रीकन मेल का एवरेज साइज ही 7 से शुरू होता है,
तो इनका जो लार्ज साइज है आप सोचो 8 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। तो ये जो गोरियां होती है उनके साइज को लेकर पगलाई रहती है कि हाँ हमें भी ये ट्राई करना है और इतना बड़ा लेना है। तीसरा रीजन, ये जो कलर कॉम्बिनेशन बन के सामने खड़ा होता है, मतलब कुकल्ड गोरा, हॉट वाइफ गोरी और जो बुल उन्होंने हायर किया है वो ब्लैक, तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन होता है ना ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, उनको ये अट्रैक्शन बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक बुल को हायर करते हैं। इंडियन लाइफस्टाइल कपल में भी इस ब्लैक बुल का चलन बढ़ रहा है, लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी इंडियन लाइफस्टाइल कपल जो हैं वो इसके लिए पगलाए हुए हैं ब्लैक बुल के लिए। कुछ लोगों की फैंटेसी पे अपनी लगाम नहीं होती, कुछ कपल्ड हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि अपनी वाइफ शेयरिंग के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये वही लाइफस्टाइल कपल करते हैं जिनकी अपनी फैंटेसी पे कोई लगाम नहीं होती, जिन्हें मतलब अगर लाइफस्टाइल में घुसे हैं तो सब कुछ ट्राई कर लेना है, उन्हें गैंग बैंग भी करना, उन्हें ग्रुप सेक्स भी करना, उन्हें ब्लैक बुल भी ट्राई करना, यार छोड़ना नहीं है किसी को भी, सब कुछ करके रखेंगे। मतलब अगर मीठे खाने के शौकीन है तो मीठे की सारी वेरायटियां चखनी होने वो चीज है। तो ऐसे लोग ब्लैक बुल को एंजॉय करना पसंद करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं चलो ठीक है यार, अगर कुकल्डिंग लाइफस्टाइल जीना है ठीक है तुम्हारा मन है जियो, लेकिन ब्लैक बुल ही क्यों, काला आदमी क्यों, हम लोग मर गए हैं क्या? तो देखो लाइफस्टाइल उनका, जीने का तरीका उनका, मन उनका, इच्छा उनकी, हस्बैंड एंड वाइफ हुआ, हम कौन होते हैं बोलने वाले। और दूसरी चीज मैंने ये भी बोला है कि इंडिया में स्विंगिंग लाइफस्टाइल में हर लाइफस्टाइल कपल की ये फैंटेसी नहीं है। कुछ लाइफस्टाइल कपल ऐसे हैं जो पगलाए रहते हैं फैंटेसी को एंजॉय करने के लिए, जिन्हें सब कुछ करना है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो गैंग बैंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस वाइफ स्वैपिंग में इंटरेस्टेड है। कुछ कपल ऐसे हैं जो ग्रुप सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस वाइफ शेयरिंग में इंटरेस्टेड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, उनका अपना तरीका है जिंदगी जीने का। और वैसे भी जब सेक्स फैंटेसी का रूप ले लेता है तो वो माइंड में चढ़ जाता है, और जब माइंड में चढ़ जाता है तो वो हवस का रूप ले लेता है, और एक बार हवस का रूप लिया तो उसके बाद सफेद काला अमीर गरीब कुछ नहीं नजर आता। तभी तो कितनी ऐसी औरतें होती है जो अमीर घर की औरतें होती हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पता लग रहा है किसी ऑटो वाले के सेट हो रखी है, कोई अपने घर के नौकर के साथ ही सेट हो जाती है, तो कोई अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तब उन्हें ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपनी फैंटेसी के ऊपर लगाम होनी बहुत जरूरी है। तो ये था मेरी तरफ से फुल वीडियो रिगार्डिंग बीबीसी फैंटेसी, के बीबीसी फैंटेसी का मतलब क्या होता है, लोग इसे क्यों एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच।